Om Shri Chinmaya Satgurave Namaha Om Shri Guru Pyo Namaha Om Samasta Jana Kalyane Nibhatam Karunamayam Namam Chinmayam Devam Satgurum Brahma Vidvaram Hariyom Sabko Pranam Hanumat Vibhuti par 3 din भगवत कृपा से यहाँ पर मनन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो पहले हम भगवान श्री राम और हनुमान जी के अनुग्रह की कामना करेंगे। सब आप दोहराइए साथ में। नीलांबुजश्यामलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम आणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सो हनुमान जी की विभूति। भारी भाई ने मुझे कहा कि हनुमान जी की कथाओं पर चिंतन करेंगे। जो ऐसी कथाएं हैं जो हमने सुनी नहीं हो। बहुत सारी अद्भुत कथाएं हैं हनुमान जी के बारे में। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको जानकारी भी होगी उसकी। तो देखते हैं 3 दिन अब भगवान की कथाओं पर थोड़ा मनन करते हैं। तो हनुमान जी कौन है? हमारे गुरुदेव कहते थे वो वानर हैं। तो वानर शब्द को अगर स्प्लिट करें तो उसमें वा और नर आता है। तो गुरुदेव कहते थे कि उनमें ऐसे गुण हैं, इतने सद्गुण हैं कि व्यक्ति को कभी कभी संदेह होता है कि वो वानर थे कि नर हवा, कि वो नर थे, श्रेष्ठ भक्त थे भगवान के। ऐसे अनोखे भक्त जिनको भगवान के रूप में ही पूजा जाता है, और कोई भक्त नहीं है जिनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। भगवान राम का मंदिर हनुमान जी के बिना अधूरा है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में राम जी की मूर्ति होनी आवश्यक नहीं है कई बार। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में भगवान राम विराजते हैं, बसते हैं। और एक बहुत सुंदर श्लोक आया भक्ति में, जो नवधा भक्ति है, तो उसके लिए कहा गया है कि श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत। कि श्रवण भक्ति के लिए परीक्षित जी का उदाहरण दिया जाता है। कीर्तन भक्ति के लिए वैयासी का कीर्तन है, सुखदेव जी का उदाहरण दिया जाता है। प्रहलाद स्मरणे, स्मरण के लिए प्रहलाद जी का उदाहरण दिया जाता है कि हर क्षण उनको भगवत स्मरण बना रहा इतने कष्ट विपदा के बावजूद। तदंग्री भजने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का उदाहरण दिया जाता है
पाद सेवन भक्ति के लिए। पृथ्वी राजा का उदाहरण दिया जाता है पूजा के लिए, पृथ्वी पूजने। अक्रूरस्तु अभिवंदने, अक्रूर जी का वंदन भक्ति के लिए। अब दास्य भक्ति के लिए कौन है? कपिपति ही दास्य। ये हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है दास्य भक्ति के लिए। कपिपति दास्य अथ सख्य अर्जुन, अर्जुन का उदाहरण दिया जाता है सख्य भक्ति के लिए। सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत, बलि राजा का दृष्टांत दिया जाता है समर्पण के लिए, आत्मनिवेदन के लिए। कृष्णाप्तिरेशाम परम, ये है नौ भक्तों का उदाहरण नवदा भक्ति के लिए। इसलिए हनुमान जी दास्य भक्ति में सर्वश्रेष्ठ हैं, दास्य भक्ति के लिए उनका ही उदाहरण दिया जाता है। फिर भी हनुमान जी को भक्त के रूप में भी पूजा जाता है। तो अब हनुमान जी की कथा जब हम सुनते हैं, उनके प्रागट्य की कथा क्या है, बहुत बहुत उसका बैकग्राउंड होता है। अलग अलग संदर्भ है, वो जब सब संयोजित होते हैं तब भगवान का प्रागट्य होता है। तो वो क्या क्या संदर्भ है? पहला संदर्भ है शिवजी और सती का। वो संदर्भ क्या है? शिवजी जब सती जी ने अपना देह त्याग किया तो शिवजी एकदम शोक विघ्न मानस हो गए थे और भटक रहे थे। शिव जी का शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी से कि शिव जी की ये जो दुर्दशा हुई है कुछ कीजिए। विष्णु भगवान शिव जी के इष्ट हैं, तो विष्णु भगवान गए शिव जी के पास, उनको मनाने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी के मन में इतना शोक और उस शोक में वो तांडव करने लगे। उस समय विष्णु भगवान ने क्या किया, अपना चक्र लिया और जैसे जैसे भगवान नाचते थे और उनके पैर ताल से जो अलग अलग मूवमेंट्स कर रहे थे, उस समय वो चक्र से सती के अलग अलग जो भाग हैं शरीर के उनको काट देते थे। तो शिवजी को पता भी नहीं चला कि ये कट रहे हैं। फिर जब उनका ध्यान वापस आया तो उनको लगा कि सती जी का शरीर था, अब कोई भार नहीं है, क्या हुआ? तो उन्होंने देखा कि सब जो अंग हैं सती के वो कटकर बिखर चुके हैं और उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान का चक्र है, उसने ये काम किया है। तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि तुम अपने अगले अवतार में अपनी पति पत्नी से तुम्हारा विरह हो जाएगा और तुमको जो मैं दुख भोग रहा हूं वो तुमको भोगना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया, शिवजी ने दिया, शिवजी विष्णु भगवान के इष्ट हैं तो शिवजी ने जो दिया तो उनका प्रसाद। फिर शिवजी का गुस्सा जब शांत हुआ तब उन्होंने कहा मुझसे भूल हो गई, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं भी आपकी सेवा करूंगा उस अवतार में और आपको मिलाऊंगा अपनी पत्नी से, आपका संयोग वापस करा दूंगा। मैं केवल उतना कर सकता हूं क्योंकि जो मैंने कह दिया अब वो तो वापस नहीं ले सकते। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है। ये एक बैकग्राउंड है। दूसरा बैकग्राउंड क्या है? अलग अलग पुराणों में अलग अलग ये है ना कथा है, तो हमको कभी कभी लगता है कि ये यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कल्पों की भी कथाएं आती है, तो कौन से कल्प में कौन सा कारण था वो हमको पता नहीं। हमको केवल भगवत लीला में अपने मन को लगाना है बस, अब कौन सा पहले हुआ कौन से बाद में हुआ। तो एक दूसरे पुराण में ये कहा गया कि जब भगवान ने सुनिश्चित किया कि मुझे राम अवतार लेना है,
सभी देवता गए थे भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास, और सभी देवताओं ने रावण के बारे में बताया उनको और कहा कि रावण का बहुत त्रास है, हमको आप उससे मुक्त कराइए। तो भगवान ने कहा मैं अवतार लूंगा। तो जब भगवान ने निश्चित किया तो सभी लोगों ने, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि भगवान आपके लिए जा रहे हैं तो आपको भी कुछ करना चाहिए। तो सभी देवता एक अलग अलग रूप में वहां पर उन्होंने अवतार लिया। इंद्र का अंश कौन बना? इंद्र का अंश कौन? वाली। सुग्रीव सूर्य देवता के अंश। ब्रह्मा जी खुद जांबवान बनकर गए। ऐसे अलग अलग देवता ने अलग अलग रूप लिए भगवान की सेवा के लिए। अब शिव जी को लगा मेरे इष्ट जा रहे हैं, मुझे भी सेवा कुछ करनी चाहिए। तो सोचने लगे अभी कौन से रूप में जाऊं मैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान नर के रूप में जा रहे हैं तो मैं भी नर के रूप में तो जा नहीं सकता, क्योंकि सेवक का भाव हमेशा स्वामी से नीचे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान नर के रूप में जा रहे हैं तो मैं मानव के रूप में जाऊंगा। लेकिन सती जी कहने लगे कि नहीं नहीं आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। तो शिव जी ने कहा ठीक है मैं पूर्ण रूप से नहीं जाऊंगा लेकिन मेरा अंश वहां पर जाएगा। तो अब ये दूसरा बैकग्राउंड हुआ कि शिव जी का अंश है हनुमान जी। अब तीसरा, ब्रह्मा जी हमको पता है कि जब इंद्र देवता की सभा होती है तो वहां पर अलग अलग देवता भी हैं, अप्सराए हैं, गंधर्व यक्ष किन्नर सब होते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी की सभा में भी एक अप्सरा थी, उनका नाम था अंजना। और एक बार उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने देखा कि अंजना माता बहुत ही उदास है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे एक श्राप मिला था और उस श्राप की वजह से मैं बहुत ही दुखी हूं, आप कृपा करके उस श्राप का निवारण कीजिए। उन्होंने कहा कौन सा श्राप? तो अंजना माता ने कहानी बताई उनको कि एक बार उन्होंने पृथ्वी पर एक सुंदर नारी के रूप में वे आई, अप्सरा के रूप में नारी के रूप में आई थी वहां पर और क्रीड़ा कर रही थी। तो उस समय उन्होंने क्या देखा, एक जंगल है, वन है और वहां पर एक कपि ध्यान कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक कपि और उनको बहुत क्या कहते हैं उसको, मस्ती करने की कुछ इच्छा हुई और वो बहुत जोर से हंस पड़ी कि ये बंदर है, बंदर क्या ध्यान कर रहा है, कोई ढोंग कर रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने कुछ फल लिया और उन पर डाल दिया, लेकिन वो कपि जो थे इतना ध्यान मग्न थे कि उनका ध्यान बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। तो उन्होंने और कुछ प्रयास किए, कुछ पत्थर डाला, कुछ जोर से आवाजें की, कुछ गाना शुरू किया, तो अंततः क्या हुआ कि उस कपि का ध्यान भंग हो गया। और उस कपि ने जब आंख खोली तो बहुत गुस्सा था उनको और वो अपने निज स्वरूप में आ गए। वो एक बहुत महान ऋषि थे, उनका नाम था अग्निरस ऋषि। तो अग्निरस ऋषि वहां पर ध्यान कर रहे थे और कपि रूप में ध्यान क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको कोई विघ्न बाधा ना आए, लोग उनको डिस्टर्ब ना करें, तो वन में अकेले कपि के रूप में भगवान का ध्यान कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा इनको कि ये इनके विघ्न इनके ध्यान में इतना विघ्न कर रही हैं, तो क्रोधवश उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुमने मेरे कपि रूप को देखकर ये सब किया, जब भी तुम किसी से प्रेम करोगी, जिस समय तुम्हें किसी से प्रेम होगा उस समय तुम कपि बन जाओगी। ये उनका श्राप था।
अब ये श्राप लेकर अंजना जी वापस चली गई तो बहुत दुख था उनको, इसलिए वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, इसका हम निवारण करने का ही कोई उपाय सोचेंगे। अब तुम पृथ्वी पर जाओ। तो उन्होंने पृथ्वी में कुंजर योनि में जन्म लिया और जंगल में वन में रहते थे कुंजरों के साथ। एक बार उन्होंने क्या कहा, देखा कि एक बहुत ही धैर्यशाली पुरुष है, वहां पर एक सिंह था और उस सिंह के साथ वो लड़ाई कर रहा है और उसने उस सिंह को पराजित कर दिया। और उस व्यक्ति को देखकर उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया और जैसे ही प्रेम उत्पन्न हुआ तो उनको क्या हुआ, वो कपि बन गए। और जैसे ही वो कपि बन गई उनको इतना दुख हुआ कि अरे मेरी क्या दुर्दशा हो गई। तो उस समय वो जो व्यक्ति थे उन्होंने भी इनको देखा था, तो वो उनके पास आए और उनको कहा कि क्या हो गया आपको, कुछ क्षण पहले तो आपका कुछ अलग रूप था, अब क्या हो गया। तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि मुझे ऐसा ऐसा श्राप दिया था और मुझे आपको देखकर प्रेम हुआ इसलिए मैं कपि बन गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम है केसरी और मैं सुमेरु पर्वत पे रहता हूं, मैं वहां का राजा हूं। मुझे भगवान ने यह वरदान दिया है कि मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूं और इसीलिए मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। तो उन्होंने अपने आप को कपि रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह केसरी और अंजना देवी का विवाह हो गया। ब्रह्मा जी ने अंजना जी को कहा था कि जब आपको आपको इस श्राप से मुक्ति कब मिलेगी, जब शिव जी का अंश आपके द्वारा उत्पन्न होगा तब आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो अंजना देवी ने तपस्या की, बहुत घोर तपस्या की उन्होंने और शिव जी उनके वैसे भी इष्ट थे। तो उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की और फिर शिव जी प्रसन्न हुए। तो शिव जी ने उनको वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये वर चाहिए कि आप पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, जो हमारा अंश है वो पुत्र के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो ये एक कथा है और इसमें क्या हुआ, शिवजी ने उनको कहा कि आप अपने हाथ अगर आगे फैला कर रखिए और मेरा स्मरण कीजिए, मेरे प्रसाद से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो अंजना माता ने शुरू किया, हाथ फैलाए और भगवान का नाम ले रही हैं। उस समय एक गरुड़ ने क्या किया, वहां पर दशरथ महाराज के वहां पर जो पुत्र कामेष्ट यज्ञ हो रहा था वहां पर अग्नि देवता आए थे चरु लेकर, और दशरथ महाराज ने वो चरु कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी को दिया था। उस चरु का एक छोटा भाग ये गरुड़ लेकर उड़कर आए और गरुड़ ने बीच में ही उसको छोड़ दिया। तो वायु देवता ने उस चरु के भाग को अंजना माता तक पहुंचाया और अंजना माता ने उसको ग्रहण किया और इस तरह फिर भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ, केसरी और अंजना जी को। अब ये हनुमान जी के जन्म की कथा थी और ये कथा जब अंजनी माता ने उनको जन्म दिया तब उनका नाम क्या रखा था, उनका नाम रखा था सुंदर। ये आनंद रामायण में कथा है, सुंदर नाम था उनका हनुमान जी का। दोनों अपने श्राप से मुक्त हो गए, दोनों अपने कपि रूप से मुक्त हो गए, लेकिन हनुमान जी
जब पैदा हुए तो वो कपि रूप में ही पैदा हुए वहां पर, और बहुत ही सुंदर तेजस्वी बालक थे। इसलिए आप देखिए हनुमान जी के कितने नाम हैं उनके जन्म से संबंधित, अंजनी पुत्र, पवन सुत, केसरी नंदन, शंकर सुवन। अब हमको कई बार लगता है कि इतने सारे, देखिए ये बहुत सुंदर है। शिव जी जो है उनके आध्यात्मिक पिता हैं, वायु देवता जो है वो प्राण रूप से शक्ति का स्वरूप है, फिर अंजना और केसरी वो उनके भौतिक माता पिता हैं। ये थी, और दो भी हैं मैं आगे बताऊंगा। तो हम सब में भी ये तीन है कि नहीं? आध्यात्मिक अंश हम सब में है, हम परम आत्मा के अंश हैं, प्राण भी है हम सब में, प्राण के बिना ये शरीर जीवित नहीं रह पाएगा, और हमारे एक भौतिक माता पिता भी हैं, तो स्पिरिचुअल पेरेंट्स, प्राणिक एंड बायोलॉजिकल तीनों हैं। अब जब हनुमान जी पैदा हुए उनका नाम था सुंदर, और बहुत ही लाड़ प्यार से अंजना माता ने उनको बड़ा किया, छोटे थे अभी तक, बड़ा कर रहे हैं उनको, उनको भगवान की कथाएं सुनाते थे, लीला के बारे में सुनाते थे। तो एक बार क्या हुआ, अंजना माता कहीं बाहर गई थी और सुंदर को बहुत भूख लगी। तब जब उनको इतनी भूख लगी तो वो तो कपी थे, तो आजू बाजू के पेड़ वृक्ष जो थे उन सब पर उन्होंने कूद कूद कर जितने फल थे वो सब खा लिए, फिर भी उनकी भूख कम नहीं हो रही थी। तब उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा फल है, और वो क्या था, सूर्य भगवान थे। तो उन्होंने जब सूर्य भगवान को देखा उनको इच्छा हुई कि मुझे वो सूर्य को खाना है, तो वो सूर्य की ओर उड़ने लगे। पवन देवता ने देखा कि मेरे पुत्र को भूख लगी है और वो सूर्य की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने भी अपना वेग बढ़ा लिया। अब सूर्य भगवान ने देखा कि ये शिव जी का अंश है, 11वें अंश है, रुद्र अवतार है हनुमान जी शिव जी के, ये शिव जी का अंश मेरी तरफ आ रहा है, तो उन्होंने भी अपना तेज जो है कम कर दिया, और हनुमान जी गए, और जैसे ही वहां पर पहुंचे और वो सूर्य को निगलने वाले थे, उस दिन क्या तिथि थी, अमावस्या की तिथि, और उस दिन राहु शिव जी का ग्रहण करता है। तो जब राहु ग्रहण करने वाला था शिव जी को, हनुमान जी वहां पहुंच गए और उन्होंने राहु पर प्रहार कर दिया। तो राहु गया इंद्र देवता के पास कि ये क्या हुआ, प्रकृति का नियम है कि आपने मुझे वरदान दिया था उस समय समुद्र मंथन के समय कि मैं सूर्य को निगल जाऊंगा, और मेरा ये समय है, मुझे ये करना है, और ये कौन है कपि वहां पर जो मुझे ये करने नहीं दे रहा। तो फिर इंद्र देवता खुद आए, राहु के साथ ऐरावत पर बैठकर आए। जब हनुमान सुंदर ने देखा कि अरे यहाँ तो इतना अच्छा एक हाथी झूम झूम के आ रहा है, और वो इंद्र देवता का जो हाथी है ना बहुत ही एकदम विशिष्ट है, वो साधारण हाथी नहीं, वो ऐरावत है, उसकी कितनी सारी सूंड होती है और वो उड़ सकता है। तो वो हाथी को देखकर उनको बहुत मजा आया, तो वो तुरंत कूद कर गए। राहु वहां से भाग गया कि अरे वापस मेरे पर प्रहार करेंगे, वो वहां से भाग गया और वो हाथी पर जाकर बैठ गए, और इंद्र देवता का आसन गिरने लगा। तो इंद्र देवता ने अपना वज्र उठाया और उस वज्र से सुंदर पर प्रहार किया। वज्र एक ऐसा शस्त्र है जिसका आघात कोई भी सहन नहीं कर सकता, वो व्यक्ति मर जाएगा।
लेकिन जब प्रहार हुआ तो हनुमान जी पर इतना असर नहीं हुआ जितना होना चाहिए, वो केवल मूर्छित हो गए और उस मूर्छित अवस्था में वो गिरने लगे। और जब वो जमीन पर आकर गिरे तो केवल उनकी जो हनु है, इसको हनु कहते हैं, हनु चिन्ह, इसमें छोटा सा डेंट हो गया बस, लेकिन वो मूर्छित हो गए। तो पवन देवता ने देखा और तुरंत पवन देवता उनको लेकर एक गुफा में चले गए और बहुत क्रोध हुआ उनको और वे उन्होंने पहना बंद कर दिया। तो सब जगह पर हाहाकार हो गया और सबने जाकर इंद्र देवता से कहा कि आप कुछ कीजिए। तो इंद्र देवता ने जाकर पवन जी से माफी मांगी और कहा कि हम हनुमान जी को वापस मूर्छा की अवस्था से बाहर लाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पवन देवता ने कहा नहीं, आपको उन पर अनुग्रह करना पड़ेगा, सभी देवताओं को आप कहिए कि उनको विशेष आशीर्वाद दें। तो ये विशेष आशीर्वाद सबने दिया। फिर इंद्र भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया कि वज्र का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और आपका पूरा अंग वज्र के समान हो जाएगा, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, बजरंगी। और दूसरा वो आशीर्वाद उन्होंने ये दिया कि जब भी हनुमान जी को वज्र की आवश्यकता पड़ेगी तो वो वज्र लेकर किसी पर प्रहार कर सकते हैं, इसलिए उनको कहते हैं हाथ वज्र और ध्वजा वज्र। उनके हाथ में वज्र रहता नहीं है, लेकिन जब उनको चाहिए अपने मन से वो वज्र को याद करें तो वज्र आ जाएगा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज। तो इंद्र देवता ने ये आशीर्वाद दिया। यमराज ने क्या आशीर्वाद दिया कि मेरा प्रभाव तुम पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसलिए वो हनुमान जी क्या है, चिरंजीवी। कई लोग पूछते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते, दिखाई देते हैं। बहुत सारे संतों को उनका दर्शन भी हुआ है। भगवान राम का दर्शन तुलसीदास जी को किसने कराया, हनुमान जी ने स्वयं कराया। समर्थ रामदास जी को उनका दर्शन हुआ था, माध्वाचार्य जी को उनका दर्शन हुआ था। अब केवल अपनी ध्यान की अवस्था में नहीं, वो तो बहुत सारे भक्तों को होता है बाहर शारीरिक रूप में, तो दर्शन तो होता है, उसके लिए इतनी चित्त शुद्धि चाहिए। तो हनुमान जी न केवल चिरंजीवी हैं, लेकिन अभी जो ब्रह्मा जी है ना, उनका टेन्योर जब खत्म हो जाएगा, ब्रह्मा जी का टेन्योर कितना होता है, 100 साल, ब्रह्मा जी के 100 साल, ब्रह्मा जी के टेन्योर के समाप्ति के बाद क्या होगा, अगले ब्रह्मा जी कौन होंगे, इस युग के हनुमान जी, इसको कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। सृष्टि का सक्सेशन प्लानिंग देखो आप, ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है, सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग, एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है, और उतना ही समय ब्रह्मा जी की एक रात भी है। तो अगर हमको लगता है कि कुंभकर्ण बहुत सोता है तो वो कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी लाखों साल तक सोते हैं, 432,000, 432,000 साल कलयुग के, 864,000 कितने किसके, द्वापर युग के, 1,726,000 त्रेता युग, और 34,00,000 कितने, 36,52,000, इतना समय एक दिन ब्रह्मा जी का, और इतना ही समय उनकी एक रात, और ऐसे 360 दिन और रात, ऐसा एक साल, ऐसे 100 साल, और ये खत्म होने के बाद अगले ब्रह्मा जी कौन होंगे, अपने हनुमान जी। तो ये हनुमान जी की महिमा है, उनका प्रताप है। तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या वरदान दिया, अब यहां देखिए,
अलग अलग लोगों ने अलग अलग वरदान दिया। सूर्य भगवान ने कहा कि मैं अपने तेज का 1/5 हनुमान जी को दे दूंगा। वरुण जी ने क्या दिया उनको वरदान कि उनको कभी जल संबंधी कोई विपदा नहीं होगी। कुबेर ने उनको क्या कहा कि हमेशा आप युद्ध में विजयी होंगे और राक्षस यक्ष द्वारा आपकी बिल्कुल पराजय नहीं होगी। इस तरह अलग अलग लोगों ने, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि कोई अस्त्र या शस्त्र उन पर आघात नहीं कर पाएगा। तो इतना सब जब उनको वरदान प्राप्त हुआ तो वो बहुत ही बलशाली हो गए। अब ये कथा हमने सुनी होगी और हमको कई बार लगता है कि ये कैसी कथा है, ये हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए चले गए। लेकिन एक कथाओं का बहुत सांकेतिक अर्थ भी होता है। तो इसका सांकेतिक अर्थ क्या है, आजकल जब गोल सेटिंग सेमिनार होते हैं ना, तो गोल सेटिंग सेमिनार में उनको कहते हैं कि ड्रीम बिग, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक द इम्पॉसिबल, डोंट लिमिट योरसेल्फ। ये बड़े होते हैं ना, हम जब जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हमारे मन में बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो हमको गोल सेटिंग में ही हम ये सोचते हैं ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। तो गोल सेटिंग के टाइम ही हम ये सोच लेते हैं कि ये नामुमकिन है, बड़ा नहीं सोच सकते। लेकिन जब बच्चा होता है ना, वो बच्चा हमेशा अद्भुत चीजें सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि ये कैसे होगा। लॉजिक, लिमिटेशन, प्रैक्टिकलिटी वो सब नहीं आते उनके माइंड में, वो बहुत क्रिएटिवली सोचते हैं। चांद पर चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उनके मन में विचारों की उड़ान भरते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, सिस्टमैटिकली उस क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसलिए आजकल लोग टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पे एक कैप्शन मैंने पढ़ा, आई वॉज बॉर्न वाइज, एजुकेशन रुइंड मी। और कई बार होता है बच्चे इतना क्रिएटिव होते हैं, इतना उनमें उत्साह होता है, और हम क्या करते हैं, ये तो इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन फिर गोल सेटिंग सेमिनार में जाके बैठेंगे और वो आपको यही कहेंगे, बिकम चाइल्ड लाइक, डोंट हैव एनी इनहिबिशंस, जस्ट लेट योर क्रिएटिविटी फ्लो। तो क्रेयॉन्स और चार्ट पेपर दे देंगे, बोलेंगे जाओ ड्रॉ करो जो आपको ड्रॉ करना है, इफ यू कैन विजुअलाइज इट यू कैन रियलाइज इट। वो सब बच्चे में ऑलरेडी स्वाभाविक होता है। सो थिंक बिग। अभी जो पिछले साल वर्ल्ड वर्कर्स कॉन्फ्रेंस हुआ, सेवक्स कॉन्फ्रेंस जिनमें विभूति में, वहां पर स्वामी स्वरूपानंद जी ने यही स्लोगन दिया सबको, चिन्मय मिशन के सभी वर्कर्स को, ऑफिस बेरर्स को, सबको। उनका स्लोगन क्या था, थिंक बिग थिंक चिन्मय, ये उनका स्लोगन था। ये बहुत सुंदर है, थिंक बिग थिंक चिन्मय। गुरुदेव ने कभी छोटा सोचा था क्या? उन्होंने हमको जो मोटो दिया वो क्या मोटो दिया, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम। तो ये मैक्सिमम की परिभाषा क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम हो गया? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम अंश भगवान के हैं, और भगवान का अंश है तो हमने जो प्रतिभा है वो भी असीमित प्रतिभा है, वो कभी कम नहीं होने वाली। तो हनुमान जी बचपन से बहुत बड़ा सोचते हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए। लेकिन बचपन में इतना बल जब उनको प्राप्त हुआ तो नटखटपन भी था उतना। तो उन्होंने क्या किया, बहुत मजाक करते थे, मस्ती करते थे, लोगों को कष्ट भी दे देते थे, कभी कभी ऋषि मुनियों को भी तंग कर देते थे। तो अंजनी माता और केसरी जी ने जाकर ऋषि मुनियों से विनती की कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि इनमें जो ऊर्जा है, इनमें जो शक्ति है,
वो एक सही दिशा में केंद्रित हो जाए। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि देवताओं का जो आशीर्वाद है उसको तो हम नकार नहीं सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि उनको जो जो शक्तियां अभी प्राप्त हैं वो सब भूल जाएंगे। जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा तब तक उनको वो याद नहीं आएंगी और वो एक साधारण बालक के रूप में बड़े होंगे। तो अंजनि माता ने कहा ठीक है, आप इतनी कृपा कर दीजिए। तो ऋषि मुनियों ने उनको उन पर ये प्रतिबंध लगा दिया और हनुमान जी एकदम शांत हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब हम में इतनी शक्ति हो तो एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि उसे किस दिशा में हम केंद्रित करें। और ये ऋषियों का अनुग्रह था अनुकंपा जी, नहीं तो क्या होता। कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लेकिन उसमें एक एस्ट्रिक्स है उसके ऊपर, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली एस्ट्रिक्स मतलब कंडीशन अप्लाई। किसको वो करप्ट करेंगी? जिसके मन में शरणागति ना हो उसको वो करप्ट करेंगी। और आप देखिए हनुमान जी के जीवन में जब तक शरणागति नहीं थी तब तक भगवान की कृपा से उन शक्तियों का पुनर्विकास नहीं हुआ। जब तक वो सुग्रीव की सेवा में थे तब तक साधारण ही बने रहे, लेकिन जब वो भगवान राम की सेवा में आए और भगवान राम के कार्य के लिए गए सीता जी की खोज में और समुद्र के किनारे पहुंचे तब जाम्बवान जी ने उनको याद दिलाया और तब उनकी स्मृति जब वापस आई तो जो जो उनकी शक्तियां थी अब कहां पर केंद्रित हो गई? पूर्ण रूप से भगवत सेवा में केंद्रित हो गई और उनमें जो दास्य भाव था इसके कारण अहंकार बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुआ उनके मन में। तो ये ऋषियों की अनुकंपा भी थी, नहीं तो इन शक्तियों के कारण व्यक्ति के मन में इतना अहंकार उत्पन्न हो सकता है और उसका उनका नाश हो सकता है उसके द्वारा। तो ये दूसरी बात हुई। तो जब हनुमान जी को ये विस्मृति हो गई और वे एकदम शांत हो गए तो उनके मन में विनय का भाव भी उत्पन्न हुआ और अंजनी माता और केसरी जी ने क्या सोचा, अब इनको शिक्षा के लिए भेजना चाहिए। तो शिक्षा के लिए भेजना चाहिए तो कहां भेजेंगे? तो उनको याद आया कि सूर्य देवता ने उन्हें कहा था कि मैं इनको ज्ञान दूंगा, तो सूर्य देवता के पास भेज दिया। अब आप सोचिए सूर्य भगवान ऐसे जाते हैं, अब हनुमान जी को अगर सूर्य देवता के पास से कुछ सीखना हो तो क्या करना पड़ेगा? सूर्य जी के सामने मुख कर उनको पीछे 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 चलना होगा तब वो सूर्य जी से कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो पीछे चलते हुए उन्होंने क्या किया, कितने घंटों में आप अंदाज लगाइए कितने घंटों में उन्होंने विद्या पूर्ण रूप से ग्रहण की? चारों वेदों का ज्ञान, 9 व्याकरणों का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, सबका ज्ञान उन्होंने 60 घंटों में प्राप्त कर लिया, 60 आवर्स। रैपिड रीडिंग कोर्स करते हैं ना हनुमान जी जैसा रैपिड रीडिंग कोई कर नहीं पाएगा। 60 आवर्स में उन्होंने पूरा ज्ञान ग्रहण कर लिया, सूर्य देव की कृपा और हनुमान जी की मेधा शक्ति स्मरण शक्ति सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब सूर्य देवता से उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम हनुमान जी को
भक्त के रूप में जानते हैं, सेवक के रूप में जानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। वाल्मीकि रामायण में जब वो भगवान राम जी से मिलने जाते हैं पहले, कि ये कौन है ये दो जो युवक आ रहे हैं, सुग्रीव उनको भेजते हैं कि ब्राह्मण का रूप धारण करके आप जाओ, तो ये कौन है ये पता लगाने जब वो जाते हैं, और जब वो अपना परिचय देते हैं और उनका परिचय मांगते हैं, तो पहले राम जी कहते हैं कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसने वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है, ये वाक्पटु है, कैसे बोलना चाहिए पूरे लक्षण है एक अच्छे वक्ता के, और इन्हें संस्कृत व्याकरण का पूर्ण ज्ञान है। तो वहां पर तो बहुत विस्तार से उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर बताए हैं वहां पर, कि कैसे वक्ता को बात करनी चाहिए। तो हनुमान जी एक ऐसे ज्ञानी भी हैं। तो ये हुआ हनुमान जी का एक स्वरूप जो है उनका जन्म, और जब वे उन्होंने शरीर धारण किया, इज अ फिजिकल फॉर्म, ये उसकी कथा है। दूसरी बात क्या है, हनुमान जी कौन है, कपि है ना, तो गुरुदेव कहते थे ही इज नॉट ए मंकी, ही इज अ मॉन्क विद अ की, ये वो ऐसे वानर हैं जिनके पास एक चाबी है। किस तरह हम अपने मन को संतुलित करें, संयमित करें, सो ही इज अ मैन ऑफ वर्च्यूज एंड वैल्यूज, एस्टैब्लिश्ड इन वर्च्यूज एंड वैल्यूज, एंड ही इज द वन हु नोज हाउ टू कंट्रोल द माइंड। और बाकी जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे विशिष्ट है हनुमान जी, किस गुण की वजह से, ब्रह्मचर्य की वजह से, वो ब्रह्मचारी है। और मन को संयमित रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। पारिन भाई जनरली एक एनेक्डोट कहते हैं गुरुदेव के बारे में, कि एक गुरुदेव की एक डायरी कब एक बार गुम गई थी, जहां पर एड्रेस और फोन नंबर लिखते हैं ना गुरुदेव के पास, उस समय वो डायरी रहती थी, तो एड्रेस फोन नंबर वो डायरी किसी ने घुमा दी, उनके सेक्रेटरी ने या किसी ने घुमा दी, और उनको आकर जब कहा तो सेक्रेटरी ने कि स्वामी जी वो डायरी गुम गई, तो हमारा और आपका, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, एकदम गुस्सा हो जाएगा ना, क्या मूर्ख हो, कैसे घुमा दी तुमने, कुछ नहीं, गुरुदेव ने क्या कहा, बैठो लिखो, उन्होंने आंख बंद कर दी और शुरू कर दिया डिक्टेशन। और कहा जाता है कि उन्होंने 2000 नाम और एड्रेस ऐसे ही डिक्टेट कर दिए, 2000। आपने पूछा था ना उनको, उन्होंने पूछा, अरे मैंने पूछा उनको कि स्वामी जी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर मेमोरी, गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, केवल एक शब्द, ब्रह्मचर्य, केवल एक शब्द, उसके बाद कुछ काम उन्होंने, बस उतना है। तो ये मन को संयमित करने के लिए भी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी, आध्यात्मिक रूप से भी जब हमको अंतर्मुख होना है उसके लिए भी ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे सनातन धर्म के तीन स्तंभ क्या है, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। तो हनुमान जी ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। कोई कहीं पर एक कहानी आ भी जाती है कि जो ये नौ प्रकार के व्याकरण जो है ना, ये नौ प्रकार के व्याकरण का अध्ययन करने के लिए जो अधिकार प्राप्त करना होता है वो एक गृहस्थी को ही है, और हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो गृहस्थी नहीं है, इसीलिए
उनको अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ऐसा कहा जाता है कि सुवर्चला देवी का विवाह किया गया हनुमान जी के साथ केवल वो अधिकार प्राप्त कराने के लिए। वो रहे ब्रह्मचारी के रूप में दोनों, लेकिन एक विवाह उनका संपन्न कराया गया ताकि उनको ये अधिकार प्राप्त हो, ताकि फिर ये नौ प्रकार के व्याकरणों का ज्ञान उनको प्राप्त हो। तो ये नौ प्रकार के व्याकरणों का ज्ञान भी उन्हें इस तरह प्राप्त हो गया। तो हनुमान जी उनके प्राकृति के बारे में हमने देखा। दूसरी बात हमने देखी कि ही इज अ मैन ऑफ वैल्यूज एंड वर्च्यूज। तीसरी बात यह है कि हनुमान जी उनका नाम जो हनु और मान है, हनुमान का अर्थ क्या होता है? हनु मतलब ये एक अर्थ है ये कि जिनके चिन्ह जिनका चिन्ह टूटा हुआ है वो हनुमान। हमारे गुरुदेव जो थे ना, आप अगर उनको देखते उनका भी यहाँ पे चिन्ह टूटा हुआ था, वो भी हनुमान ही है। और वो भी भगवान का नाम सबके लिए लाए कि नहीं, हम सबके लिए 42 इयर्स तक उन्होंने गीता का इतना प्रचार प्रसार किया। दूसरा अर्थ हनुमान का क्या है? हनु मतलब हानि, मान मतलब अहंकार। जिनके अहंकार का नाश हो गया है, जो समर्पित हो गए हैं, वो है हनुमान। तो जो व्यक्ति समर्पित हो जाता है भगवान के कार्य के लिए, वो व्यक्ति भी हनुमान बन जाता है। सीमित प्रतिभाओं से असीमित प्रतिभाएं विकसित हो जाती है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जब तक हमारे जीवन में कुछ ध्येय नहीं आता, तब तक व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। एवरीबडी एग्जिस्ट, वेरी फ्यू लिव। टू लिव यू मस्ट हैव एन आइडियल, गुरुदेव कहते थे। टू लिव यू मस्ट हैव एन आइडियल, हायर आइडियल। हनुमान जी इज अ सिंबल ऑफ दैट, व्हाट इज द हायर आइडियल इन माई लाइफ। चौथा है कि हनुमान जी एक योगी भी हैं। योग का अर्थ क्या होता है? शरीर मन बुद्धि जब युक्त हो जाए। गीता में क्या कहा भगवान ने? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्त काम कारेण फले सत्तो निबध्यते। जो अयुक्त व्यक्ति होता है, उसके जीवन में काम के कारण शरीर मन बुद्धि एकाग्र नहीं होते। लेकिन जो योगी होता है उसका शरीर मन बुद्धि पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है। तो हनुमान जी ऐसे एक योगी हैं। शरीर से भगवान की सेवा करते हैं, मन में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम है, बुद्धि में भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, वाणी से भगवान का ही स्मरण करते हैं, उच्चार करते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने यहाँ पर बहुत सुंदर कहा है हनुमान जी के बारे में कि हनुमान कौन है? When you lead a life in complete surrender to Lord Ram, then the strength that rises from within you, that is हनुमान। जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति करके जीते हैं, जो हमारे अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति को कहते हैं हनुमान। When love, beauty, erudition, courage, determination and success come into your life from a source beyond the body, mind, intellect, that is हनुमान। शरीर मन बुद्धि से परे जो आत्म तत्व है वो हनुमान है। और वही स्रोत है ज्ञान का, प्रेम का, धैर्य का, सौंदर्य का, सफलता का, तो वो हनुमान है। तीसरा उन्होंने क्या कहा? When you reach your life's goal like a sure shot arrow from Shri Ram's bow, that is हनुमान। भगवान राम का जो बाण है उसको कहते हैं अमोघ बाण। वो अपने लक्ष्य को भेद करके वापस भगवान के पास आ जाएगा। तुलसी रामायण में तो ये कहा कि जब सुग्रीव को शंका थी कि भगवान वालिका वध कर पाएंगे कि नहीं, जब उनकी मित्रता होनी थी उसके पहले, तो उन्होंने भगवान से कहा कि अपनी शक्ति का परिचय दीजिए।
तो भगवान ने एक बाण उठाया और सात ताल के जो वृक्ष थे एक बाण से उनका भेदन किया और वो बाण पृथ्वी में गया, फिर पाताल में गया और वहां से फिर वापस बाहर निकलकर घूमकर भगवान के त्रिवेणी में आकर आ गया वापस। तब जाकर सूर्य को लगा कि नहीं, ये वाली का वध कर पाएंगे, क्योंकि उस समय वाली क्या था, सबसे महान योद्धा था। उसने 6 महीने तक रावण को अपने दाहिने भुजा में कसकर रखा हुआ था। सोचिए रावण को, इतना शक्तिशाली था वाली। लेकिन जब हनुमान जी, लेकिन जब भगवान ने ये किया तब सुग्रीव को लगा कि नहीं ठीक है। तो ऐसे जो भगवान का बाण है, वैसे ही हनुमान जी ऐसे एक भक्त हैं जिन्होंने जो कोई कार्य लिया वो उसमें केवल सफलता ही प्राप्त की। ऐसा कोई कार्य नहीं है हनुमान जी के जीवन में जहां पर उनको कोई विफलता प्राप्त हुई। बहुत सारी ऐसी कथाएं आती है हनुमान जी के बारे में, तो बहुत विचित्र विचित्र कथाएं भी हैं। कुछ कहा जाता है एक बार हनुमान जी और भगवान राम में युद्ध हो गया। आपने सुनी है कथा, राम जी और हनुमान जी का युद्ध, बहुत मजेदार कथा है। उसमें भगवान की लीला है सब। नारद जी जो है ना, उन्होंने एक बार जब राम जी का राज्याभिषेक सब हो गया था तो एक बार वहां पर नारद जी आए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप सभा में जाइए, आप सबको प्रणाम कीजिए, विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम मत करना। तो फिर हनुमान जी ने सोचा कि नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं तो वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो वो गए सभा में और सबको प्रणाम किया उन्होंने, लेकिन विश्वामित्र ऋषि के सामने जब वो आए तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया और वो चले गए। विश्वामित्र ऋषि को कुछ भी उसका असर नहीं हुआ, वो स्थितत्वज्ञ थे, शांति से बैठे। तो जब सभा समाप्त हो गई तो नारद जी विश्वामित्र जी के पास गए और विश्वामित्र जी को कहते हैं, देखो हनुमान ने सबको प्रणाम किया, आपको नहीं किया, आप इतने बड़े ऋषि हैं, पहले आप भी राजा थे लेकिन आपने ये सब इतना बड़ा राज्य सब त्याग दिया और आप राज ऋषि थे पहले, उसके बाद आप ब्रह्म ऋषि हो गए, आप भगवान के भी गुरु हैं, राम को आपने शिक्षा दी, राम जी का स्वयंवर आपके कारण हुआ, इतना सब हुआ, आप इतने महान हैं और ये हनुमान केवल एक वानर है, उसने आपको प्रणाम ही नहीं किया, आपको राम जी से शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि ये राम जी के सेवक हैं, तो सेवक की उद्दंडता जो है तो स्वामी को दंड देना चाहिए उस सेवक को। अब विश्वामित्र जी समझ गए इसमें कुछ लीला है यहाँ पर, तो वो गए, उनको क्रोध तो आ ही नहीं रहा था लेकिन वो लीला के कारण कुछ क्रोध जगा कर गए भगवान के पास और उन्होंने कहा कि भगवान आपका सेवक कैसा है, ये सबको प्रणाम करता है, आपके सामने मुझे उसने प्रणाम नहीं किया और आप वहां पर बैठे बैठे देखते रहे, कुछ नहीं किया आपने, कुछ तो आप कीजिए। तो भगवान ने कहा मुझे क्या करना चाहिए, आप इसको मृत्यु दंड दे दीजिए, इसने आपके गुरु का अवमान किया है, आप उसको मृत्यु दंड दे दीजिए। तो भगवान ने कहा गुरु की आज्ञा है, करना पड़ेगा मुझे। तो भगवान ने हनुमान को बुलाया और अपना धनुष और बाण लिया और भगवान हनुमान पर भगवान ने आक्रमण कर दिया।
लेकिन जितने भी बाण भगवान छोड़ रहे थे उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था हनुमान जी के ऊपर। ऐसा क्यों? वज्र का देह था इसलिए। लेकिन अभी मैंने कहा राम जी का बाण तो अमोघ है। वो राम 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 कहते रहे और राम जी का नाम जो वो ले रहे थे तो राम जी के बाण आके वापस जा रहे थे राम जी के पास, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, वो हनुमान जी को छू भी नहीं रहे थे। ये एक कथा है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि भगवान स्वयं जब हनुमान जी पर आक्रमण कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हुआ हनुमान जी को। तो आखिर में विश्वामित्र जी को पता चल गया कि यही लीला थी, नारद जी को यही करवाना था कि भगवान के नाम की महिमा प्रस्तुत करानी थी सबके लिए। तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा भगवान राम से कि आपने को जो दंड देना था आपने प्रयास कर लिया, अब आप इसको रोक दीजिए। तो ऐसी सब कथाएं आती हैं कि हनुमान जी के जीवन में वो ऐसे योगी थे कि भगवान पूर्व पूर्ण वो भगवतमय ही थे। तो योगी का जीवन ऐसा होता है। आप अगर गुरुदेव को देखिए, शरीर मन बुद्धि वाणी से उन्होंने श्रुति माता की सेवा की, अपने गुरु की सेवा की, कहीं पर भी उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी नहीं सोचा। हनुमान जी में भी आप देखिए ऐसी ही समानता है कि सब कुछ उन्होंने किया भगवान को समर्पित होकर। सो ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रेशन, ही इज अ योगी। सो वन वी सॉ उनके जीवन में हाउ हिज बर्थ, द स्टोरी ऑफ हिज बर्थ, दैट फिजिकली ही इज देयर। सेकंड वी सॉ मेंटली ही इज अ मैन हु नोज हाउ टू कंट्रोल द माइंड। थर्ड स्पिरिचुअली intellectually he is a great yogi, a man of integration. Fourth, jo Gurudev ne pura description diya, he is a man who is completely anchored in devotion, anchored in knowledge. Aur unki jab hum bhakti karte hain to ye sab gun humme aate hain. To yahan par unhone kaha when you reach your life's goal like a sure shot arrow from Shri Ram's bow, that is Hanuman. तो आखिर में यहां कहते हैं गुरुदेव, कीप हिम ऑलवेज विद इन योर हार्ट एज द सिचुएशन डिमांड्स, चैंटिंग द लॉर्ड्स नेम इन द टाइम्स ऑफ पीस एंड इन द फेस ऑफ इम्पोजिंग चैलेंजेस, फॉर दैट इज वेयर ही बिलोंग्स। सो भगवान, हम हनुमान जी को जब हम अपने हृदय में रखते हैं तो चारों हमारे हृदय में आ जाते हैं। हनुमान चालीसा में आखिरी दोहे में क्या कहा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। तो ये हनुमान जी की विभूति है और इसलिए हनुमान जी हमारे युवा के लिए और हम सब के लिए एक बहुत ही इज लाइक अ रोल मॉडल। और जितना जितना हम हनुमान जी का चिंतन करेंगे उतना हमारे जीवन में भक्ति भाव, शरणागति, शक्ति, ब्रह्मचर्य, धैर्य, निर्भयता सब कुछ प्राप्त होगा। एक और कथा हनुमान जी के बारे में जरा समझेंगे यहां पर। हाँ, जब हनुमान जी ने 60 घंटों में पूरी शिक्षा ग्रहण की तो उनको गुरु दक्षिणा देनी थी सूर्य भगवान को। तो सूर्य भगवान ने उनको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरा अंश जो है वो है सुग्रीव, और जब मेरा अंश जिसने जन्म ले लिया है तुम उसकी रक्षा करना। तो हनुमान जी ने जब अपनी सेवा, अपनी शिक्षा खत्म की तब से लेकर वो सूर्य के साथ ही थे और उन्होंने ये वचन दिया था सूर्य देवता को कि सुग्रीव को कोई कष्ट नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ।
और इसलिए आप देखिए सुग्रीव को हनुमान जी ने इतना बचा कर रखा था कि वो हनुमान जी की शक्ति के कारण ही सुग्रीव को धैर्य था कि वाली से मैं बचा हुआ हूँ ऋषभ पर्वत पर। दूसरा, हनुमान जी ने क्या किया, सुग्रीव को भगवान राम से मिला दिया, वाली का वध कराया, सुग्रीव को सुरक्षित किया, और उसके बाद सुग्रीव तो भूल गया कि मुझे भगवान का काम करना है। वर्षा ऋतु सब आई तब सुग्रीव एकदम मद मस्त हो गया था, सब कुछ भूल गया था, भोग विलास में उलझ गया था। उस समय भगवान ने जब लक्ष्मण जी को भेजा था, लक्ष्मण जी तो इतना गुस्से में थे वो सुग्रीव का वध कर देते, लेकिन किसने बचाया वापस सुग्रीव को, हनुमान जी ने ही बचाया। तो हनुमान जी जैसे भगवान राम जो वचन देते थे उसकी पूर्ति करते हैं, उसी तरह हनुमान जी ने जो वचन दिया आजीवन उन्होंने उसकी पूर्ति की कि जब तक सुग्रीव हैं तब तक हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। तो ये है हनुमान जी का चरित्र, और भी आगे हम देखेंगे। जब हनुमान जी गए लंका में तो कहा जाता है कि उनको कहा गया था, जामवान जी ने उनको क्या कहा था कि जब लंका में पैर रखोगे, लेफ्ट फुट को क्या कहते हैं, दाएं पैर, बायां पैर, बायां पैर, तो बायां पैर अंदर लेकर पहले जाना। तो हनुमान जी समुद्र लांग कर जब गए वहां पर तो लंकिनी को उन्होंने घूसा मारा, और फिर जब वो अंदर प्रवेश करने वाले थे तो उनको ये याद आया कि मुझे कहा गया था कि लेफ्ट फुट लेके अंदर जाना चाहिए, तो फिर वो बायां पैर लेके अंदर घुसे। और ये कहा जाता है कि जब हम कहीं बाएं पैर बायां पैर लेकर अंदर जाते हैं तो वहां क्या हो जाता है, सब कुछ नाश नष्ट हो जाता है। और इसीलिए आर्मी जो मार्च करती है ना वो लेफ्ट राइट लेफ्ट करती है, राइट लेफ्ट राइट नहीं करती है। तो हनुमान जी ने जैसे वहां पर पैर रखा लेफ्ट फुट इनसाइड, उस क्षण से क्या हुआ, लंका का नाश शुरू हो गया। तो यही हनुमान जी जो भक्तों के लिए भगवान के साथ उनका मिलन कराते हैं, असुरों के लिए राक्षसों के लिए वो क्या है, एकदम बहुत महाविनाशक हैं, महावीर हैं और महाविनाशक हैं, दोनों हैं। और कुछ कथा है हनुमान जी के बारे में हम कल सोचेंगे।